ईद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जमशेदपुर के मानगो स्थित वन विभाग के सभागार में जिला प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ईद को शांति एवं सौहार्द से मनाने का अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि जिले में करीब 100 स्थानों पर ईद की नमाज अदा की जाती है। इनमें से 60 शहरी क्षेत्र और 40 ग्रामीण इलाके में है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर दिया है। उन स्थानों पर दंडा अधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात की जाएंगी। जिला को सेक्टर व जोनल में बांटा जाएगा और इस स्तर पर प्रशासन के वरीय अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। ईद के दौरान शहरी क्षेत्र में जाम की स्थिति न होने पाए, इसके लिए ईद के दिन शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। नमाज अदा करने वाले स्थानों के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाना है। इधर अधिकारियों ने मौजूद लोगों के साथ ईद पर्व के दौरान शांति व्यवस्था कायम कर सकें इस मुद्दे पर चर्चा की और सभी से सहयोग की अपील की। ये पर्व है, हम लोगों का भी ये पर्व है। पुलिस प्रशासन में, जिला प्रशासन में रहने का एक फायदा होता है, हम लोग हर समुदाय के हर पर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं। जितना हर्षोल्लास के साथ आप मनाते हैं, उतने हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। आप लोग भी रोड पर रहिएगा, ईद के दिन हम लोग भी रोड पर रहेंगे। हो सकता है आपसे एक घंटे पहले से आपसे एक घंटे बाद तक करेंगे, तो हम लोग भी, हमारे लिए भी उतना ही खुशी का माहौल है। दोनों आदमी इस खुशी के माहौल में शरीर होकर के खुशी को खुशी ही रहने दें, इसके लिए दोनों के सहयोग की जरूरत है। हमारा कहना है पूरे जिला में 3000 बल है, इसके अलावा हम लोग लगभग 1000 कोर्स बाहर से मना रहे हैं। जैसे उसके होमगार्ड के लिए रहेंगे, जैप से जो रैपिड एक्शन पुलिस वो भी आएगी, सीआरपीएफ का रैपिड एक्शन फोर्स वो भी आएगा, होमगार्ड के कुछ जवान हैं लगभग 200 के आसपास, वो भी हम लोग एक्स्ट्रा मना रहे हैं। उसके बाद किसी भी अनटूवर्स इंसिडेंट से निपटने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे वज्रवाहन हो गया, वाटर कैनन हो गया, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। और जिसकी कमी है वो भी हम लोग एक दो दिन में यहाँ एडवांस में ही मना करके रख रहे हैं। सारे शहर हमें से किसी के लिए शहर नया नहीं है, आप लोग यहाँ के बसिंदा हैं ही, हम लोग भी जानते हैं। हम लोग पूरा चिन्हित किए हुए हैं, जैसे एडीएम लॉ ऑर्डर साहब बताएं, लगभग 100 पूरे गिनती के साथ 94 नवाज अस्पताल है पूरे जिला में, जिसमें लगभग 59 है शहर में और 35 है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मिक्स पॉपुलेशन है, कुछ विस्तृत आबादी वाले जगह हैं जहाँ हम लोग अपना नजर रख रहे हैं। तो ये हमारी तैयारी है, स्पेशल ऑफिसर आपको बताएं ये कि किस प्रकार से बिजली और जो पानी की तैयारी है उनके वो भी उनके संज्ञान में है और पूरी कर ली जाएगी। आई एम श्योर टाइम से पहले ही सबको पूरा कर लिया जाएगा। एक चीज जो आप लोगों को बोलना है, इसी सभागार में मैं पहले भी आ चुका हूँ, आप लोग मेरे मंतव्य से मेरे ओपिनियन से वाकिफ हैं। मैं ये शांति समिति के सदस्यों से पहले बहुत ज़्यादा निराशा मुझे थी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी या खुश नहीं था आप लोगों से। और मैं क्योंकि ओपन बोलने से, मन में छुपाने से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं बोला भी था आप लोगों को। आज भी वो बरकरार है, लेकिन इसमें बहुत सुधार हुआ है। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफरेंस हुए हैं जहाँ आप लोगों की मदद से बहुत बड़े घटना को टाला गया है। और आपकी मेहनत, आपकी मदद, आपका सपोर्ट झलकता है, रोड पे दिखता है। जैसे मैं एक कोई इंसिडेंट भी बता देता हूँ, वो सरस्वती पूजा के एक या दो दिन बाद जब मुंशी मोहल्ला के मस्जिद में पथराव की घटना हुई, मुझे वो अच्छी तरह याद है। मुझे यहाँ चेहरे भी दिख रहे हैं कि कौन कौन चेहरे वहाँ थे। मैं आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि अगर ये लोग जो लोग वहाँ मौजूद थे, इसमें से लगभग 10 आदमी मुझे जो चेहरा याद है, हो सकता है और भी रहे होंगे बट मुझे चेहरा याद नहीं है, अगर वो नहीं रहते तो शायद वो एक घटना जो विदाउट एनी डैमेज कंट्रोल हो गया, वो कंट्रोल शायद नहीं हो गया। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, यहाँ जो 50-60 आदमी आप लोग हैं बैठे हुए हैं, ये आम नागरिक की बात नहीं है। आप शांति समिति के सदस्य हैं तो आप समझिए कि आप एक पुलिस फोर्स ही है। मेरे लिए, प्रशासन के लिए, हमारे लिए